हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। यू कैन आस्क फॉर अ डिस्कशन, व्हाट मोर यू वांट। रहने का अधिकार नहीं है, मैं हाउस के स्पीकर हूं। मायावती भारतीय लोकतंत्र का एक चमत्कार और करोड़ों दलितों के लिए स्वाभिमान की हुंकार। मायावती का नाम लिए बिना भारतीय राजनीतिक इतिहास पूरा नहीं हो सकता। दिल्ली की तंगलियों से निकली एक युवा दलित महिला ने अपने बलबूते राजभवन तक का सफर तय किया। देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, हर विरोध सहा, मनुवादियों की गालियां खाई, सियासत के दाव पेच देखे, कभी एनकाउंटर होने से बाल बाल बची तो कभी जानलेवा हमले से। लेकिन मायावती किसी चट्टान की तरह खड़ी रही। चलिए मेरे साथ, मैं हूं सुमित चौहान और आज मैं आपको बता रहा हूं मायावती की जिंदगी के सफर की पूरी दास्तां, मायावती की 25 अनसुनी कहानियां और ऐसी कई कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मायावती का जन्म दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 15 जनवरी 1956 को हुआ था। 1975 में मायावती ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और बतौर टीचर काम करते हुए डीयू से अपनी एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। मायावती यूपीएससी की परीक्षा पास कर एक आईएएस अफसर बनना चाहती थी और उसके लिए तैयारी भी कर रही थी, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब के कहने पर मायावती ने अपना घर और सपना दोनों छोड़ दिए। मायावती और मान्यवर कांशीराम की पहली मुलाकात की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 1977 की एक सर्द रात में मान्यवर कांशीराम दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में प्रभु दयाल जी के घर पहुंचे थे। मायावती उस समय लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही थी। मान्यवर ने उनसे पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? इस पर मायावती ने कहा, मैं आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। मायावती के इस जवाब पर कांशीराम साहब ने कहा, मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां दर्जनों आईएएस अफसर तुम्हारे सामने लाइन लगाकर खड़े होंगे। तुम तय कर लो तुम्हें क्या बनना है। दरअसल इस मुलाकात से एक दिन पहले मायावती दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाषण दे रही थी। मायावती ने मन से ही कांग्रेसी नेता राज नारायण को दलितों को बार बार हरिजन कहने पर बुरी तरह लताड़ा था। एक 21 साल की लड़की का ऐसा रुख देख कर ही मान्यवर कांशीराम साहब मायावती से काफी प्रभावित हुए थे। मायावती के पिता प्रभु दयाल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर आईएएस बने, लेकिन जब मायावती ने कांशीराम जी के साथ जाने का निर्णय लिया तो प्रभु दयाल जी काफी दुखी हुए। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये रास्ता चुनना है तो मायावती को घर छोड़ना पड़ेगा। इस कठोर फैसले के बाद मायावती ने घर छोड़ दिया और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ वो चल पड़ी सियासत के उस सफर पर जिसका सपना देखना भी भारत के दलितों के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं था। मान्यवर कांशीराम साहब रणनीति बनाने में माहिर थे तो मायावती एक तेज तर्रार वक्ता थी। उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सुनने वाले जोश से भर जाते थे। मायावती और कांशीराम की जोड़ी ने बड़ी तेजी से संगठन का विस्तार किया और अपने सियासी सपने को पूरा करने के लिए आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को चुना। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में मान्यवर कांशीराम और मायावती ने देश के बहुजनों की तकदीर बदलने की हुंकार भरी और इस तरह से मायावती चुनावी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गई। इस बारे में मायावती ने कहा था, मैंने राजनीति में आने का जो फैसला किया तो मुझे दूसरे नेताओं की तरह राजनीति विरासत में नहीं मिली। हमारे परिवार में कोई राजनीति में से नहीं है, दूर दूर तक हमारे रिश्ते नातों में भी कोई राजनीति में नहीं है। सियासत में कुछ भी आसान नहीं होता और अगर आप भारतीय समाज की जातीय संरचना में सबसे निचले पायदान से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। मायावती को भी शुरुआत में कई बार हार मिली लेकिन वो रुकी नहीं। मायावती ने पहली बार 1984 में कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। उसके बाद 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से भी उन्हें हार ही मिली, लेकिन 1989 के उपचुनाव में मायावती बिजनौर सीट से चुनाव जीतकर देश की संसद के अंदर पहुंच गई। 1989 के आम चुनाव में बीएसपी को 3 और 1991 के चुनाव में 2 सीटें मिली थी। गेस्ट हाउस कांड में मायावती पर हुए जानलेवा हमले के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मायावती का एनकाउंटर होने वाला था। दिसंबर 1991 की एक सर्द सुबह करीब 4:30 बजे थे।
यूपी के प्रयाग स्टेशन पर ट्रेन से एक महिला कैदी को नीचे उतारा गया। जब वो महिला कैदी रेलवे लाइन को पार कर रही थी तब पुलिस इंस्पेक्टर ने उस महिला का एनकाउंटर करने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन ट्रेन में सवार आर्मी के जवानों ने पुलिस वाले को खबरदार कर दिया। इस तरह से उस महिला कैदी की जान बच पाई। जिस महिला को पुलिस वाला मारना चाहता था उसका नाम था मायावती। मायावती के करीबी रहे सरवर हुसैन ने इस किस्से के बारे में बताया था। दरअसल उस दिन मायावती की लखनऊ हाईकोर्ट में पेशी के बाद इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में वापसी हो रही थी। बुलंदशहर में मतपत्र देखने को लेकर मायावती और डीएम में छीना झपटी हो गई थी और उसी केस में उन्हें इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। मायावती एक माहिर वक्ता थी और इस वजह से बहुजन समाज में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई। कांशीराम जी के सहयोग से मायावती ने सियासत के दांव पे सीखे और 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ा और सरकार बना ली। उस समय एक नारा काफी मशहूर हुआ था, मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए जय श्री राम। यूपी में गठबंधन सरकार बनाने के बाद 3 अप्रैल 1994 को मायावती राज्यसभा पहुंच गई। उच्च सदन में बीएसपी की वो पहली सांसद थी। 1995 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और ये मायावती के लिए एक निर्णायक साल बना। 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने हमला कर दिया। मायावती के साथ जमकर बदसलूकी की गई। बाद में मायावती ने कहा कि सपा समर्थक उनकी हत्या करना चाहते थे। गेस्ट हाउस कांड के बारे में मायावती ने कई बार कहा कि वो इस कांड के लिए मुलायम सिंह यादव को कभी माफ नहीं करेंगी। भाजपा नेता लालजी टंडन के कहने पर ब्रह्मदत्त तिवारी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को बचाया था, जिसके बाद लालजी टंडन मायावती के धर्म भाई बन गए। मायावती ने बाकायदा राखी बांधकर लालजी के प्रति अपना रिश्ता जाहिर किया था। कहते हैं बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन में भी लालजी निर्णायक भूमिका निभा रहे थे और मायावती को सीएम बनाने में भी उन्होंने मदद की थी। 1995 में राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया और मायावती बीजेपी की मदद से यूपी की मुख्यमंत्री बन गई। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाली वो देश की पहली दलित महिला थी। तब देश के प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार कहा था, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और मायावती की पहली सरकार 4 महीने में ही गिर गई। मायावती को करीब से जानने वाले लोग ये भी मानते हैं कि बहन जी को समझना काफी मुश्किल है। मायावती सियासत की एक मंझी हुई खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी सूझबूझ और संघर्ष के दम पर तय किया। सियासी गुणा भाग में भी मायावती सटीक निशाना लगाती हैं। 1996 में बीएसपी ने यूपी की 425 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 67 सीट ही जीत पाई। लेकिन बीजेपी के साथ दूसरी बार गठबंधन हुआ और 1997 में मायावती ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी की शर्त थी कि 6 महीने बाद उनका सीएम बनेगा, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। बाद में बीजेपी ने किसी तरह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई। 2002 में मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, लेकिन ताज कॉरिडोर केस में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगने के बाद मायावती ने साल 2003 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के बागियों के साथ मिलकर यूपी में सरकार बना ली। साल 2003 में बहुजनों के मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। लगातार काम करने और यात्राएं करने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इसके बाद मायावती को 2003 में बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और वह पिछले 19 साल से बीएसपी की सबसे बड़ी नेता के रूप में काम कर रही हैं। मायावती और कांशीराम साहब के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठते रहे। अक्सर उनके चरित्र पर भी दाग लगाने की कोशिश की गई। दोनों के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें की गई, लेकिन इससे मायावती विचलित नहीं हुई। एक इंटरव्यू में मायावती ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, जब कोई त्याग करके आगे बढ़ता है तो विरोधियों के पास एक ही मुद्दा होता है, कैरेक्टर को लेकर बदनाम करना। मान्यवर कांशीराम जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ और वह मुझे अपना शिष्य मानते हैं। 2001 में मान्यवर कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने इस बारे में कहा था, मुझे लगा कि अगर इनको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए तो राजनीति में ये काफी आगे बढ़ सकती हैं।
राजनीति में बढ़ने की जो खूबियां हैं वो कुछ खूबियां मुझे इनमें नजर आई। करीब 2 साल तक बिस्तर पर रहने के बाद काशीराम जी साल 2006 में चल बसे। काशीराम साहब के महापरिनिर्वाण से मायावती को सबसे बड़ा धक्का लगा, लेकिन मायावती अपने सियासी सफर में आगे बढ़ती रही। 2007 में मायावती ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की ऐसी करामात दिखाई कि दलित और ब्राह्मण वोटर साथ आए और मायावती पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की मुख्यमंत्री बन गई। मायावती ने बहुजनों को राजनीतिक सत्ता में पहुंचाने के बाद सामाजिक न्याय की गारंटी देने का काम किया। उन्होंने यूपी में प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों के लिए 30% आरक्षण लागू कर दिया। उन्होंने सबका साथ और सबका विकास फॉर्मूले पर अमल किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 2007 में मेरी सरकार बनने से पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने भर्तियों पर रोक लगा रखी थी। मेरी हुकूमत में मैंने वो बैन हटाया और करीब 30 लाख अपर कास्ट लोगों को नौकरी दी। 2007-08 के दौरान मायावती सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों में 20वें नंबर पर थी। उन्होंने करीब 26 करोड़ रुपए सिर्फ इनकम टैक्स के तौर पर भरे थे। 2001 में उनकी 1 करोड़ की घोषित आय 2007 में 50 करोड़ हो गई थी। मायावती ने कहा कि ये रकम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बतौर डोनेशन दी थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने मायावती के खिलाफ जांच शुरू की और उन्होंने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मायावती ने कहा, कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए सीबीआई जैसी उच्च जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। मायावती ने अपने चौथे कार्यकाल में बहुजन इतिहास को जीवित करने के लिए भी काफी काम किया, चाहे नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल हो या फिर लखनऊ का डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। मायावती ने बहुजन नायक नायिकाओं के सम्मान में ऐतिहासिक काम कर दिखाया। जिन बहुजन नायक नायिकाओं को इतिहास में कभी उचित सम्मान नहीं मिला था, मायावती ने उनकी शानदार प्रतिमाएं लगाकर बहुजन समाज से उनका परिचय कराया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एकता और दलित नायक नायिकाओं की मूर्तियों को फिजूल खर्च बताने वाले लोग अक्सर मायावती पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आज उनके काम की तारीफ हर जगह हो रही है। जी, मैं मुकेश ऋषि यहाँ शूटिंग करने आया हूँ लखनऊ में। सीरीज का नाम है तबाइफ। ये पार्क देखने के लिए आया हूँ मैं, अम्बेडकर पार्क देखने आया। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी लगी, एकदम साफ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपी को, इस तरह की खूबसूरत चीज़ उनके पास है। ऑल द बेस्ट, सबसे कहूँगा आइए देखिए, वंडरफुल प्लेस। कुछ लोगों को सिर्फ मायावती के बनाए पार्क ही नजर आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मायावती के कार्यकाल में ही यूपी ने विकास की रफ्तार हासिल की थी। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी की शान है, इसे मायावती ने ही विकसित किया था। चाहे नोएडा मेट्रो हो या फिर ताज एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे, मायावती ने तमाम ऐसे काम कर दिखाए जिन्हें बाकी पार्टियां सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों तक ही सीमित रखती हैं। साल 2012 में भारत का पहला फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक यानी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में खुला और मायावती ने अपने हाथों से विजेताओं को ट्रॉफी देकर इतिहास रच दिया। आज बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट भारत में F1 रेसिंग का बेताज बादशाह है। इसके अलावा मायावती ने गौतम बुद्ध नगर में महामाया बालिका और बालक इंटर कॉलेज खोले और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसा नायाब तोहफा दिया। नोएडा को शानदार अस्पताल भी मिले, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ पार्क ही नजर आते हैं। मायावती के शासनकाल में एक सबसे बड़ी खास बात ये रही कि यूपी में अपराध पर लगाम लगी। आंकड़े बताते हैं कि मायावती ने जब जब यूपी की सीएम की कुर्सी संभाली, तब तब अपराधी सलाखों के पीछे नजर आए। साथ ही मायावती के शासनकाल में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। मायावती ने एक कुशल प्रशासक की भूमिका निभाई। मायावती के हेयरस्टाइल के पीछे भी एक कहानी है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, दरअसल लंबे बाल होने पर मुझे बार बार उन्हें बांधना पड़ता था। मुझे 6-7 जगह जाना पड़ता था तो बार बार कंघी करके बाल बांधने पड़ते थे और मेरा काफी समय बर्बाद होता था, इसलिए अपना समय बचाने के लिए मैंने बाल ही कटवा दिए ताकि मेरा वक्त बर्बाद ना हो।
मायावती ने जो करिश्मा 2007 में कर दिखाया था उसे वो 2012 में नहीं दोहरा पाई और अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता उनसे छीन ली। इसके बाद मायावती राज्यसभा आ गई, लेकिन सहारनपुर हिंसा पर जब उन्हें सदन में अपनी बात तक नहीं रखने दी गई तो उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया। एक रैली में मायावती ने कहा था कि जब एक दलित की बेटी चार चार बार यूपी की सीएम बन सकती है तो देश की पीएम क्यों नहीं बन सकती। भारतीय सियासत में मायावती को पीएम मटेरियल माना जाता रहा है, लेकिन उनकी राह और भी मुश्किल होती जा रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया तो विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी को यूपीए का चेहरा बनाने पर राजी नहीं थी। ऐसे में सबकी नजरें मायावती पर थी कि उनके नाम पर किसी को दिक्कत नहीं होगी और एक दलित की बेटी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। लेकिन बीएसपी ने अकेले ही यूपी की 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, देश में तीसरे नंबर पर वोट शेयर हासिल किया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी बीएसपी बुरी तरह हारी और महज 19 सीट ही जीत पाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। यूपी की सियासत में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सियासत पर नजर रखने वालों ने कयास लगाए कि अगर यूपी में महागठबंधन अच्छी सीट जीत गया तो मायावती का पीएम बनना लगभग तय है। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का दर्द भी भुला दिया और वो मुलायम सिंह यादव के साथ मंच पर नजर आई, लेकिन हाथी और साइकिल के साथ आने पर भी नतीजे मन मुताबिक नहीं आए। बीएसपी ने सिर्फ 10 सीटें जीती तो एसपी महज 5 सीट पर ही सिमट गई और एक बार फिर से दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो गए। 15 मार्च 2020 को नोएडा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। यूपी की दलित राजनीति में ये एक बड़ा दखल है जो मायावती की दलित राजनीति पर असर डाल सकता है। लोग मानते हैं कि इससे दलित वोटों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन मायावती अपने हिसाब से ही रणनीति तैयार कर रही हैं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर मायावती को जानने वाले लोग मानते हैं कि बहन जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मायावती की असली और सबसे मुश्किल परीक्षा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में होनी है। मायावती एक ऐसा किरदार है जिनकी शख्सियत का अंदाजा सिर्फ चुनावी नतीजों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, ये उनके व्यक्तित्व को कम आंकने जैसा होगा। लेकिन ये भी सच है कि सियासत में नतीजों से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर मायावती 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कोई चमत्कार कर दिखाती हैं तो निश्चित तौर पर भारत की दलित राजनीति का भविष्य एक बार फिर से मायावती के भरोसे ही तय होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और इस वीडियो को बनाने में मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी अंशु और अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।